हेलो फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तीन तरह की बहुत ही यूनिक, टेस्टी और माउथ वाटरिंग चटनी। तो चलिए बनाते हैं इसे। पर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट रेसिपी मिस ना करें। सबसे पहले हम बनाएंगे हरी मिर्च की चटनी। उसके लिए हमें चाहिए हंकर, यानी कि बंधा हुआ दही जिसका पानी पूरी तरह से निकला हुआ हो। तो इसे बनाने के लिए हम एक बोल लेंगे। बोल के ऊपर हम इस तरह से स्ट्रेनर रखेंगे। फिर हम कोई भी कॉटन क्लोथ या कॉटन की हैंकी या फिर इस तरह से किचन टॉवल लेंगे और इसे हम स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे इस तरह से। फिर हम इसके ऊपर दही डालेंगे। यहाँ मैंने एक कप दही लिया है और इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा नीचे कलेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने दही के कबाब के वीडियो में बताया था कि इस पानी को हम यूज कर सकते हैं रोटी का डो बनाने के लिए या फिर किसी भी सब्जी के ग्रेवी में। तो अब हमें इसे एक घंटे के लिए इसी तरह से रखना है। अब हमें चाहिए हमारे चटनी का मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि हरी मिर्च, जिसकी हम चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम हरी मिर्च। अब हम चाकू के हेल्प से सेंटर से इसे इस तरह से कट करेंगे। पूरा कट नहीं करना है हमें, इस तरह से हाफ कट करना है, जिसे हम चीरा लगाना भी कहते हैं। अब हम एक पैन में 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे जिसमें हमने चीरा लगा के रखा था। और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। ध्यान रहे कि मिर्ची को काटने के बाद हाथ को अच्छे से धो लें, क्योंकि मिर्ची का जूस हाथ में लग जाता है काटते वक्त और उससे काफी जलन हो सकता है हाथ में। अगर मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी हो तो, अगर आँख में चले जाए तो काफी जलन होता है। तो आप हाथ को अच्छे से धो लें। ये हो गया है, देखिए इस तरह से हमें भुनना है इसे, इस तरह का चाहिए हमें ये। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो गया है, अब हमें इसका पेस्ट बनाना है। उसके लिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो इसे मैंने पीस लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं एक बोल में। अब हम इसमें डालेंगे हंकर जो हमने बना के रखा था। ये देखिए सारा पानी नीचे अच्छे से कलेक्ट हो गया है और दही भी कितने अच्छे से थिक और क्रीमी हो गया है। तो इसे हम डाल देते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। उसके लिए हम सेम पैन में 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग। हींग से इस चटनी में काफी अच्छा फ्लेवर आता है। और 4 से 5 करी लीव्स से हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, जब तक कि मस्टर्ड सीड्स क्रैक नहीं करता है। और तड़का रेडी है, इसे हम मिक्स कर देते हैं चटनी में। और मिर्च की चटनी बनके रेडी है। अगर आपको ये थिक लग रहा हो तो आप इसमें नॉर्मल दही भी मिक्स कर सकते हैं, बट नॉर्मल दही डालने से इसे आप 1 या 2 दिन तक ही रख सकते हैं, बट हंकर डालने से ये 3 से 4 दिन आराम से फ्रिज में रह जाता है। ये चटनी पराठे के साथ, पकौड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मिर्च पसंद है तो इसे आप जरूर ट्राई करें। दूसरी चटनी हम बनाएंगे इमली की। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप इमली। अगर हम इसे ग्राम्स में देखें तो ये 100 ग्राम्स है और ये सीडलेस इमली है, ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसे हम एक बोल में डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप गर्म पानी, यानी कि बॉइल्ड वाटर। गर्म पानी डालने से इमली काफी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और इसे ज्यादा देर तक फुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे हम 30 मिनट तक सोक करके रखेंगे। अगर आप नॉर्मल पानी डाल रहे हो तो इसे 1 घंटे तक सोक करके रखें। 30 मिनट हो गया है और इमली बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसका पल्प बनाएंगे। पल्प बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम ये इमली डाल देंगे। पानी हम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डालेंगे, क्योंकि ज्यादा पानी डालने से ये अच्छे से इसका पेस्ट नहीं बनता है। अगर आप चाहें तो हाथ से मसल के भी आप इसका पल्प बना सकते हैं।
तो मैंने ये सारी इमली अलग कर ली है, तो इसे अब हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह का पल्प हमें चाहिए। अब हम एक बोल लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से स्ट्रेनर रखेंगे और सारा पल्प इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। अब हम चम्मच के हेल्प से इसे इस तरह से छानेंगे। मिक्सी में पीस लेने से ये काफी अच्छे से बहुत स्मूथली ये स्ट्रेन हो जाता है, बट अगर जब हम इसे हाथ से मसल के करते हैं तो थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे जिसमें हमने इमली सोक करके रखा था। तो यहाँ पे मैं पहले आधा पानी डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से छानेंगे। अब हम बचा हुआ पानी भी डाल के इसे अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से पल्प बहुत अच्छे से निकलता है और इमली में जो रेशा होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हम इसमें एक कप पानी और डालेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी जार में एक कप पानी डाल के ले लिया है ताकि जो भी पल्प उसमें लगा हुआ है वो वेस्ट ना हो। तो टोटल हमें 3 कप पानी लेना है, यानी कि 1 कप इमली में 3 कप पानी लेना है। और ये देखिए सारा रेशा अलग हो गया है पल्प से, इसे हम हटा देंगे, ये कोई काम का नहीं है। अब हमारा इमली का पल्प रेडी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से चाहिए। तो अगर आपको पल्प थिक लग रहा हो तो इसमें आप थोड़ा पानी और ऐड कर लें। अब हम एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा और 2 से 3 पिंच हींग और इसे हमें 20 से 30 सेकंड तक भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पानी और लिया है जिस बर्तन में हमने पल्प रखा था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे 2 से 3 उबाली आने तक, यानी कि बॉईल आने तक कुक करना है। कोई भी चाट हो, भेल हो, दही बड़े हो, उसमें अगर इमली की चटनी ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो इस चटनी को आप आराम से घर में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बाजार जैसा। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसे आप बना के 4 से 5 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कि कोई भी गीला चम्मच या पानी का हाथ ना लगे। ये हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गुड़, यानी कि जितना हमने इमली लिया है उतना ही हम गुड़ डालेंगे। अगर आप गुड़ की जगह चीनी डालना चाहते हो तो चीनी भी आप सेम क्वांटिटी में डालें, यानी कि 1 कप। अब हम इसे कुक करेंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, फिर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर यानी कि सॉल्ट। अगर आपके पास अदरक का पाउडर ना हो तो आप 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे चटनी में कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने से गुड़ और इमली का टेस्ट बैलेंस हो जाता है। अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो आप थोड़ा सा गुड़ ज्यादा डाल लें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से इस चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे आप जरूर डालें। और इसे अब हम 1 से 2 मिनट तक और कुक करेंगे। अगर वीडियो अब तक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और ये देखिए ये काफी थिक हो गया है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गया है और ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमारी इमली की खट्टी पीठी चटनी रेडी है और ये बहुत डिलीशियस बना है। और इसे देख के आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, तो इसे जल्दी से बनाए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम बनाएंगे धनिये पुदीने की हरी चटनी। ये चटनी पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है और चाट और पकोड़ों के साथ तो हरी चटनी बिल्कुल मस्ट है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार में 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। फिर हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैंने प्याज और टमाटर मीडियम साइज का लिया है। अब हम डालेंगे 1 इंच कटा हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है।
फिर हम डालेंगे 2 से 3 कटी हुई लहसुन की कलियां। ये ऑप्शनल है तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप खाते हैं तो इसे जरूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। यहाँ मैंने 100 ग्राम हरा धनिया लिया है। मैंने स्टेम के साथ लिया है क्योंकि इसमें काफी फ्लेवर होता है और ये काफी हेल्दी भी होता है, तो इसे भी हम डाल देंगे इसमें। फिर हम डालेंगे 100 ग्राम पुदीने का पत्ता और 1/4 टीस्पून जीरा। और अब हम 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबलस्पून पानी काफ़ी है, लेकिन पीसते वक्त अगर आपको लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी और डाल सकते हैं। और ये मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबलस्पून नींबू का रस, और इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और हमारी धनिया पुदीना की हरी चटनी रेडी है। तो मिलते हैं फिर कुछ नए एक्साइटिंग और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक हेल्दी, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। बाय।